सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सीएनएस पढ़ा था। सीएनएस के अंदर हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था कि ब्रेन कैसे काम करती है एंड स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करती है। अब हमने पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले भी मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। सोमैटिक के अंदर हमारी न्यूरॉन्स आ जाती हैं। अब देखिएगा सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम पीएनएस कहते हैं इज द डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम कंटेनिंग ऑल द नर्व्स दैट लाई आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितनी नर्व्स लाई करती हैं वो नर्व्स किसके अंदर आती हैं, स्वयं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जितनी भी बॉडी के अंदर नर्व्स पाई जाती हैं वो नर्व्स किस में काउंट की जाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काउंट की जाती हैं। इसी तरह इसका सबसे पहले प्राइमरी रोल की बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसका प्राइमरी रोल क्या होता है। तो प्राइमरी रोल क्या होता है, टू कनेक्ट द सीएनएस टू द ऑर्गन्स लिम्ब्स एंड स्किन। हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करना किसका काम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है। These nerves extend from the central nervous system to the outermost areas of the body. ये nerves क्या करती हैं? Extend होती हैं। कहाँ से extend होती हैं? Central nervous system से extend होकर कहाँ पर जाती हैं? हमारी पूरी body के different parts तक जाती हैं। For example, अगर आपके skin की बात करें तो skin के अंदर कौन सी nerves आएंगी? हमारे पास peripheral nervous system की nerves आएंगी। इसी तरह हम बात करते हैं types की बात करें तो PNS की दो types होती हैं। Further, एक होता है autonomic nervous system, दूसरा होता है somatic nervous system होता है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर न्यूरॉन्स आ जाती हैं। कौन सी न्यूरॉन्स आती है, सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाती हैं और मोटर न्यूरॉन्स आ जाती हैं। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर थोड़ी सी जो नर्व्स की बात करें तो दो नर्व्स के पेयर्स आते हैं मेजरली। कौन सी होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं और 31 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व्स होते हैं। अब क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स क्या है इनकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, नर्व्स दैट इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन। It contrasts to the spinal nerves which emerge from the segments of the spinal cord. Spinal cord जो spinal nerves हैं वो spinal cord के segments से arise होती हैं और जो cranial nerves हैं वो brain से directly arise होती हैं। Only the first and the second pair emerge from the cerebrum. और जो spinal nerve का पहला और दूसरा pair है वो cerebrum से emerge होता है। The remaining 10 pairs emerge from the brain stem होते हैं। जो cranial nerves होती हैं 12 pairs है ना, पहला और दूसरा pair कहाँ से arise हो रहा है, cerebrum से arise हो रहा है और बाकी 10 पेयर्स जो हैं वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, ब्रेन स्टेम से अराइज हो रहे हैं। इसी तरह स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो स्पाइनल नर्व्स और नर्व रूट्स ब्रांच ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड पास आउट थ्रू अ होल इन ईच ऑफ द वर्टिब्रे कॉल्ड द फोरामेन होते हैं। दीज नर्व्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन पूरी बॉडी में लेके जाती हैं और जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन रिसीव करती हैं टू और कहाँ तक पहुँचाती हैं, ब्रेन तक पहुँचाती हैं। अब बात करते हैं हमारे पास जो टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम है जिसमें एक आती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी आती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरिंग सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन, जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन और मोटर इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है वो क्या कहलाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। अब इसका काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में इन्फॉर्मेशन लेके जाता है वो कहाँ तक लेके जाता है, ब्रेन तक लेके जाता है। ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सोमा विच मीन्स बॉडी होता है। सोमा को कहते हैं सेल बॉडी कहते हैं। तो ये क्या करता है, पूरी बॉडी से इन्फॉर्मेशन जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये पूरी बॉडी से इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और बॉडी से कहाँ तक पहुँचाता है, ब्रेन तक पहुँचाता है और ब्रेन से इन्फॉर्मेशन कैरी करके कहाँ तक पहुँचाता है, वापिस बॉडी तक पहुँचाता है। अब देखिएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन एज वेल एज वॉलेंट्री मूवमेंट होता है। जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स आप कर रहे हैं वो क्या करता है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम ट्रांसफर करता है। इसके अंदर दो तरह की न्यूरॉन्स आती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स आती हैं और मोटर न्यूरॉन्स आती हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स इनको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नर्व्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंसरी है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी से कहाँ पे लेके जा रही है, नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जा रही है, सेंस ऑर्गन से जा रही है ना। तो जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो क्या कर रही हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर लेके जा रही हैं, बॉडी तक लेके जा रही हैं ताकि उसका रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट किया जाए। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन सच एज ब्लड फ्लो, हार्ट बीट, डाइजेस्टिंग एंड ब्रीथिंग।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो हिस्सा होता है जो हमारी जो सेंस सॉरी रेगुलेटिंग इनवॉलेंट्री बॉडी एक्शंस होते हैं, ऐसे बॉडी एक्शंस जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको जो रेगुलेट करता है वो क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। अब जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसको फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, और फिर आता है पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात करें अगर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये वो कंडीशन है जो फाइट एंड फ्लाइट के दौरान होती है। जब आपका फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन है, तो आपका जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो क्या होता है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। आप रेस्टिंग कंडीशन में सो रहे हैं, तो उसके दौरान आपका जो नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है वो कौन सा होता है, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। क्लियर? आगे देखिएगा, हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज टू ब्रांचेस, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इज लोकेटेड टू द सिंपथेटिक चेन। ये कहां पर होता है, सिंपथेटिक चेन में मौजूद होता है, विच कनेक्ट्स द स्किन ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। जो स्किन ब्लड वेसल्स और जितने डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो कनेक्ट्स करते हैं। द सिंपथेटिक चेन इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्पाइन एंड कंसिस्ट ऑफ गैंग्लियाज होते हैं। और सिंपथेटिक चेन जो है वो गैंग्लियाज की पर कंसिस्ट करती है, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइडों पे क्या होती है, मौजूद होती है। स्पाइनल कॉर्ड की बोथ साइड पे मौजूद होती है, गैंग्लियाज पे कंसिस्ट करती है, और क्या होता है, ये हमारे स्किन ब्लड वेसल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है, ताकि क्या किया जा सके, रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सके। इसी तरह बात करते हैं, हमारे पास जब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आई है, तो आप खुद सोचें, जब आपको कोई टेंशन या इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो क्या होता है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, आपका जो पेपल होता है, आंख के अंदर गोल सा टुकड़ा होता है, आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल पढ़ेंगे आई स्ट्रक्चर की, तो जो पेपल होता है वो क्या होता है, डायलेट हो जाता है। आपकी जो ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई है वो डायलेट हो जाती है, क्यों, आप ब्रीथिंग तेज कर रहे होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी के साथ लड़ाई हो गई है, कोई मसला आ गया अचानक से, तो आपकी जो ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई होते हैं वो भी क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं। आपका जो ब्लड होता है, उस ब्लड की जो सप्लाई होती है वो स्किन के टिश्यूज तक कम हो जाती है, या ऐसे टिश्यूज जिनको ब्लड नहीं चाहिए होता वहां तक आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है टू सर्टन ऑर्गन, जैसे हार्ट, हार्ट को ब्लड सप्लाई ज्यादा देनी पड़ती है, ब्रेन, ब्रेन को ब्लड सप्लाई ज्यादा देनी पड़ती है, स्केलेटल मसल्स है इनको ब्लड सप्लाई क्या करनी पड़ती है, ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि ये ऑर्गन उस टाइम क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन में, और इनको काम करना है ज्यादा, और आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है किसको, जीआईटी को, क्योंकि जीआईटी का तो इमरजेंसी में कोई रोल नहीं ना होता। अब जीआईटी क्या है, खुराक की डाइजेशन है, लड़ाई हो रही है आपकी और लड़ाई के दौरान आपको खुराक की डाइजेशन की जरूरत तो नहीं है, इसलिए हमारा जो जीआईटी होता है वहां तक जो हमारी ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इमरजेंसी और फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में क्या होता है कि आपके ये सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। होप के ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिएगा, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अ पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इज द ब्रांच ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडीज एबिलिटी टू रिकैप्चुरेट एंड रिटर्न टू अ बैलेंस स्टेट, जिसे हम कहते हैं होमोस्टेसिस आफ्टर एक्सपीरियंसिंग पेन और स्ट्रेस। अब आपको स्ट्रेस आया था, आपकी लड़ाई हुई, पांच छह बंदों ने आपको मिल के मारा, आपको अच्छा खासा चोटें लगी हैं। अब उस चोटों लगने के बाद जब आप घर आते हैं, वापस आप आके लेटते हैं, आपकी बॉडी खुद को क्या कर रही है, नॉर्मलाइज कर रही है। अब वो नॉर्मलाइज कैसे करती है, सबसे पहले देखिएगा, आपकी हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाता है, आपका जो पेपल है वो कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देता है, आपका जो स्किन है और विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, आपकी जो जीआईटी ट्रैक की मूवमेंट होती है वो ज्यादा हो जाती है, और जीआईटी को ब्लड क्या किया जाता है, प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कब होता है, जब पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और ये कब होता है, जब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब देखिएगा, हमारे पास पैरासिंपथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को मैंने डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, कि जब पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तब क्या होता है, और जब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो तब क्या होता है। पैरासिंपथेटिक की बात कर लेते हैं, कंस्ट्रिक्शन ऑफ पेपल होती है, स्टिमुलेट्स फ्लो ऑफ सलाइवा, सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस होता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ब्रीथिंग नॉर्मल होती है, स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रीशन, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम बढ़ जाता है, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल, बाइल बढ़ जाता है, और ब्लेडर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जब पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपका पेपल डायलेट हो जाता है, स्लाइवा कम हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो आपकी डाइजेशन है वो कम हो जाती है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है,
एड्रीनालिन और नोरएड्रीनालिन सेक्रीट होते हैं और इनहिबिट्स ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, और आपका ब्लैडर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये काम कब होगा, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। अब ये देखिएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के साइडों पे क्या मौजूद है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया मौजूद है, और दूसरी तरफ क्या मौजूद है, पैरासिंपैथेटिक गैंग्लिया मौजूद है। क्लियर हो गया? एनी डाउट टिल